पता करके जो काम किया है। राजस्व विभाग तो सिंधिया जी इसलिए रहते हैं कि मध्य प्रदेश नहीं संपूर्ण देश का सबसे बड़ा भू माफिया ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं। सिंधिया जी ने ग्वालियर में उज्जैन और इसमें शिवपुरी में करीब 10,000 अधिक से करोड़ की जमीनों पर कब्जा कर रखा गलत तरीके से। और हमेशा जब भी सरकार में ताकत में रहते हैं तो राजस्व भाग उनके परिवार उनके लोगों को मिलता है और उसमें अधिकारियों को बैठा कर लैंड रिकॉर्ड कमिश्नर कलेक्टर पर दबाव डालकर जो आज़ादी में मर्जर एग्रीमेंट हुआ था 1947 में उसमें ज़मीनें जो तय की गई थी ये सांस की रहेंगी उसका गजट नोटिफिकेशन में भी है। और जब सांस की ज़मीनों को सिंधिया ने अपने ट्रस्टों के नाम अपने नाम कराया है इसीलिए वो दबाव डालकर राजस्व भाग अपने विश्वसनीय मंत्री को दिलवाते हैं ताकि मनमानी तरीके से ज़मीनों पर कब्जा कर सकें। डॉक्टर साहब, नेता प्रतिपक्ष के लिए भी पूरी तैयारियां चल रही हैं, लंबे समय से पद खाली पड़ा है, क्या लग रहा है, कौन आ रहा है? पद कहीं आपको जानकारी नहीं, पद खाली है ही नहीं है। हमारे नेता कमलनाथ जी हम लोगों के नेता प्रतिपक्ष प्रदेश अध्यक्ष कार्यकारिणी के लिए भी पूरी तैयारियां चल रही हैं, नई कार्यकारिणी कब तक आने की है? अब ये तो हमारे कमलनाथ जी इसका उत्तर दे सकते हैं, संगठन के प्रमुख हैं, मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका अधिकार क्षेत्र है, वही घोषित कर सकते हैं, मैं उनके घोषित करने में सक्षम नहीं हूँ।